16 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं और पहला मुकाबला भारत का 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि जब ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था साल 2007 में, तब एक ऐसा रिकॉर्ड बना था जो अभी तक अनबीटन है। समय था 2007 और उस समय मैच हो रहा था इंग्लैंड और भारत के बीच। युवराज सिंह क्रीज पर थे, दूसरी तरफ थे स्टुअर्ट बॉर्ड। आपको याद होगा उस समय युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे उस मैच में और 6 छक्कों के साथ उन्होंने लगा दिया था 12 गेंदों में शानदार अर्धशतक, यानी अभी तक की T20 वर्ल्ड कप की सबसे तेज हाफ सेंचुरी जो अभी भी अनबीटन है। इस रिकॉर्ड को कोई भी बल्लेबाज अभी तक नहीं तोड़ पाया है और युवराज सिंह इकलौते एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 12 गेंदों में 50 रन बनाए हैं। अगर वहीं शतक की बात करें तो वो नाम है सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम। जी हाँ, साल 2014 में क्रिस गेल ने ये कारनामा किया था और उसके बाद से कोई भी खिलाड़ी यहाँ ना तो अर्धशतक लगा पाया है ना ही शतक लगा पाया है। अब ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप हो रहा है, तेज गेंदबाजी अच्छी खासी होगी, तो ऐसे में उम्मीद हम जता रहे हैं कि हो सकता है कोई एक रिकॉर्ड तो टूटे, चाहे वो अर्धशतक का टूटे चाहे वो शतक का टूटे। अब ये देखने वाली बात होती है कि युवराज सिंह का जो 2007 से चला आ रहा अनबीटन रिकॉर्ड क्या इस बार बीट हो जाएगा, उसे कोई भारतीय खिलाड़ी करेगा या फिर कोई विदेशी खिलाड़ी अपने नाम कर ले जाएगा, ये देखने वाली बात होती है। तो युवराज सिंह अभी तक बादशाह हैं, अब देखते हैं इस साल क्या वो उन्हें कोई नीचे कर पाता है या फिर नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ आपकी क्या राय है, क्या कोई भारतीय खिलाड़ी तोड़ेगा या फिर कोई विदेशी खिलाड़ी इसमें अपना नाम ले जाएगा, आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।